गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड, चैप्टर नंबर वन, इंग्लिश सेकंड बुक। चैप्टर टाइटल इज नाउंस एंड इट्स टाइप। माई सेल्फ अस्मी जैदी, आई एम योर इंग्लिश टीचर। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउंस कैन बी कॉमन और प्रॉपर। नाउंस जो है वो कॉमन और प्रॉपर दोनों ही हो सकते हैं। ओके, लुक एट द बैलून्स गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए, ये आपको बैलून्स दिए गए हैं, तो इसमें कॉमन नाउंस दिए गए हैं, नेम्स दिए गए हैं और स्पेशल नेम्स, है ना। तो यहाँ पर आपको ये लिख के दे दिया, बिल्डिंग का जो नेम होता है वो कॉमन नेम आता है, डेज ऑफ वीक ये भी कॉमन नेम आता है, ए मंथ मतलब एक महीने का नाम हो गया, या ए रिवर, ए बुक, ए फेस्टिवल, ये सब कॉमन नेम आता है, लेकिन स्पेशल नेम्स में भी आते हैं। ओके, यहाँ पर आपको इनके स्पेशल नेम लिख रहे हैं। ओके, नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस एंड थिंग्स आर कॉमन नाउन। मतलब किसी भी पीपल का नेम, प्लेस का नेम और थिंग्स का नेम वो कॉमन नेम ही होगा। जैसे यहाँ देखिए, पीपल, बॉय, गर्ल, मदर, फादर, फ्रेंड, टीचर, ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं, इसलिए हम इनको कॉमन नाउन्स कहा जाता है। मैं आप फॉर एग्जांपल, मैं ही आपको आपके नेम से बुलाऊं तो वो कॉमन है, क्योंकि सभी आपको आपके नेम से ही बुलाएंगे, तो इसलिए वो कॉमन है। ओके, प्लेस नेम, बैंक वगैरह हम जाते हैं, स्कूल्स का नेम होता है या होम वगैरह, ये कॉमन होते हैं। डेली यूज़ में लिए जाने वर्ड्सों, जाने वाले वर्ड्सों को ही कॉमन नेम्स कहा जाता है, कॉमन नाउन्स कहा जाता है। ओके, स्पेशल नेम्स ऑफ पीपल, मतलब लोगों के खास नाम, जगह के नाम, लोगों के नाम, चीज़ों के नाम, वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आप, सम प्रॉपर नाउन्स, यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर नाउन्स दिए गए हैं। नेम ऑफ पीपल, अलादीन, ये क्या होते हैं, ये कभी कभी लिए जाने वाले वर्ड्स होते हैं, तो ये स्पेशल नेम कहलाते हैं, इसलिए इनको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे अलादीन, हैरी पॉटर, महात्मा गांधी और नेल्सन मैंडेला। ओके, यहाँ पर डेज ऑफ द वीक एंड द मंथ ऑफ द ईयर दिए गए हैं। ये आपको लर्न करना है स्टूडेंट्स। डेज ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके स्टूडेंट, ये आपको लर्न करना है। ऐसे ही आपको मंथ्स नेम लर्न करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आपको करना है, और विद स्पेलिंग लर्न होना चाहिए आपको स्टूडेंट्स। ओके, नीचे आपको यहाँ पर दिए गए हैं नेम्स ऑफ फेस्टिवल एंड स्पेशल डेज। ये फेस्टिवल्स नेम है यहाँ पर आपके, ये स्पेशल डेज नेम है। न्यू ईयर्स डे, ये आप क्या करते हो, जो वर्ड मतलब स्पेशल डे इसलिए होते हैं ये, क्योंकि आप ये आप ईयर में एक ही बार मनाते हो, है ना। जैसे न्यू ईयर्स डे आप न्यू ईयर डे के दिन मनाते हो, मंडे, मदर्स डे, सॉरी, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये ईयर में वन टाइम आता है, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व। स्टूडेंट्स, आई होप योर टॉपिक इज़ क्लियर। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, आई कैन सॉल्व। थैंक यू।